सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर पे क्या पढ़ लिया हमने? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों चीज़ें पढ़ ली हमने, और किस तरीके से डिफरेंशिएट करके वैल्यू को फाइंड करना है हमने सीखा पूरा। आज हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है बाय कैलकुलस मेथड, उसका डेरिवेशन सीखेंगे। और जब हमारे पास वो चारों इक्वेशन आ जाएंगी जिसके थ्रू कोई भी पार्टिकल का मोशन गवर्न होता है, उसके बाद उसके बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे सिंपल है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले लीजिए, यानी ए इज इक्वल टू है डीवी अपॉन डीटी। ध्यान दीजिएगा, बाद में नोट कीजिएगा, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी। यहाँ से देखिए क्या मैं लिख सकता हूँ, डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने में लिमिट रखना ज़रूरी है। जैसे देखो, मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो डी वी, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा ए इंटू डी टी। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? वी के रिस्पेक्ट में। और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में है? टी के रिस्पेक्ट में। यानी यही दो चीज़ें वेरी कर रही। अब एक बात बताओ, एट t इज इक्वल टू ज़ीरो पर जब स्टार्ट हो रहा है, उस वक्त किसी बॉडी के जो मोशन वेलोसिटी होती है, उस वक्त जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी उसे कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी u। क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी u। और एट t इज इक्वल टू t पर जब टाइम t पहुंच गया तो उस वक्त क्या कहलाएगी? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और ये रिप्रेजेंट करेंगे v से। अब देखो यहाँ पर लिमिट लगाना आसान हो गया, v कहाँ से कहाँ वेरीज कर रहा है? पहले u था, बाद में कितना हो गया? v। यानी इनिशियल में u था, बाद में हो गया v। और टाइम वेरी कर रहा कैसे? पहले 0 था, बाद में कितना हो गया? t। तो पहले 0 और बाद में t। इनिशियल पोजीशन को, पॉइंट को नीचे रखते हैं और फाइनल लिमिट को ऊपर रखते हैं। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो 1 इंटू डी वी होगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, यानी यहाँ इंटीग्रेशन करके आएगा v, और लिमिट बना दीजिए v और u, ऐसे रख देते हैं। इज इक्वल टू t के रिस्पेक्ट में करना है तो उसके अलावा जो भी चीज़ है वो कांस्टेंट होती है, यानी a कांस्टेंट हो गया, सीधे सीधे अलग हो जाएगा, a बाहर कर दीजिए, और फिर क्या बचा? 1 इंटू डी टी, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t, और लिमिट कितना है? 0 से t। अब देखो एक बार v की जगह ऊपर वाली वैल्यू, फिर माइनस करके नीचे वाली वैल्यू, ये करते हैं। तो एक बार ऊपर वाली वैल्यू रखिए, v रख दिया, फिर माइनस करके नीचे वाली वैल्यू रख दीजिए, मतलब इसकी जगह पे ही ये सब रखा जाता है। तो ये आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए, यहाँ क्या आएगा देखिए, हाँ t माइनस ज़ीरो। एक बार इसकी जगह ये रखेंगे, फिर माइनस करके इसकी जगह ये रखेंगे, तो ये आ गया, यहाँ से आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। क्या ये रख सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर u क्या है भाई? U है इनिशियल वेलोसिटी, क्या है? और V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। A क्या है? एक्सेलरेशन। और T क्या है? टाइम। समझ में आ गया? यह है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। चलिए नोट करिए, उसके बाद सेकंड करेंगे। तो अब डेरिवेशन में सीखना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान दीजिए, अभी इसमें हमने कहां से स्टार्ट किया था? ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से ना। इसमें स्टार्ट करेंगे वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी से। छापो नहीं, समझो, ये स्टार्ट किया। अब यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके? क्या वी इज इक्वल टू कुछ आया था हमारा? यू प्लस ए टी, इसको वहीं रख दो। डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी, सही है? अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो सबको अलग अलग करना, कैसे? समझो, इंटीग्रेशन डी एस u इंटू डी टी, ब्रैकेट ओपन कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, प्लस इसके साथ लगा दो एक बार,
ए टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन, सही है। ब्रैकेट ओपन करके डी टी एक बार इससे, डी टी एक बार इससे। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, एस के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, एस और टी क्या चेंज हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा था वी और टी, तो इसलिए देखो लिमिट बनाया टी और वी में। अब जब टी और एस में हो रहा है तो टी और एस में लिमिट बनाओ, यानी मैं कहूँगा कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर जब आप स्टार्ट किए उस वक्त आपके डिस्प्लेसमेंट कितना था, ज़ीरो, वेरी गुड। और जब आप एट टी इज इक्वल टू टी पे पहुँचे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एस, मतलब कुछ दूर चल चुके होंगे, आधा घंटा बाद कुछ दूर चल चुके होंगे ना। तो अब देखो डी एस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एस, ज़ीरो से, बस ज़ीरो से एस तक, इसमें कौन वेरिएशन है, टी का, तो टी ज़ीरो से टी तक, ज़ीरो से टी, इसमें किसका वेरिएशन है, टी का, फिर से ज़ीरो से टी, लिमिट लग गई। अब देखो आ जाओ, अच्छा लिमिट कैसे सोचा जाता है, अपने हिसाब को सोचा करो, कि मैं बाइक पर चल रहा हूँ, अब मैं बाइक खड़ी थी, टी इज इक्वल टू ज़ीरो, अब मैंने बाइक स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी तो यू बन गई लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो था उस वक्त, ये बात है। चलो अब इंटीग्रेशन करो, तो डी एस वन के रिस्पेक्ट में करना है, इसके रिस्पेक्ट में, तो वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस, तो सीधे सीधे यहाँ आ जाएगा एस और लिमिट रख दो, एस ज़ीरो, यहाँ यू इंटू डी टी, टी के रिस्पेक्ट में करना है तो यू क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हो गया ना, उसको टच नहीं करना है, और यहाँ क्या आ जाएगा, टी इंटी ज़ीरो से टी, सही है। अब देखो यहाँ एक चीज़ सीखोगे तुम, बताओ टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में करना है टी का, तो डिफरेंशिएशन में पावर में वन माइनस होता है, इंटीग्रेशन में पावर में वन ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो पहले पावर कितना है इसका, वन है, जोड़ दोगे वन तो कितना हो जाएगा, टू, और जब पावर जुड़ जाए तो उसी को नीचे भी रख दो। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं, क्या करते हैं, बिना घटाए ले आते हैं, बिना माइनस किए लेके आते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में पहले पावर में वन ऐड करो, जो आए उसको नीचे रख दो, बहुत आसान है। फिर से बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में पावर को आगे ले आओ और पावर में वन माइनस कर दो, इंटीग्रेशन में कुछ मत करो, पहले पावर में वन जोड़ दो, फिर जो आए उसको नीचे कर दो, फिर जो आए उसको नीचे कर दो। अब देखो सिंपल हो गया, एस की जगह एक बार एस और ज़ीरो, और यू टी की जगह टी माइनस ज़ीरो, प्लस ए टी की जगह फिर वही टी स्क्वायर बाई टू माइनस ज़ीरो, क्या आ गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आगे इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर एस क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ना है हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें भी क्या करो, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिया था ना, स्टार्ट कैसे किया था, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से किया था, सेम ऐसे करो, लेकिन इसमें एक चेंज करो, क्या करो, यहाँ ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी रखो, लेकिन ऊपर नीचे डी एस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, डी एस से डी एस कैंसिल, वही वैल्यू है। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा, देखो क्या करूँगा मैं, ए इज इक्वल टू डी टी को इधर लेके जाऊँगा, डी एस इधर ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एस, और ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, ये वैल्यू जानी पहचानी लग रही कुछ, क्या कहते हैं इसे, वी दिख रहा है ना वी, बस देखो आगे काम, डी वी अपॉन डी एस, और यहाँ आ गया वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो इंटीग्रेशन चलो लगाते हैं इसमें,
ए इंटू डी एस इंटीग्रेशन और वी इंटू डी वी इंटीग्रेशन। अब बताओ किसके किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, एस और वी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हमें लिमिट इन्हीं को लगानी है। अब लिमिट लगानी है तो अपने आप को बाइक पे बिठा लो। अब तुम बाइक पे बैठ गए, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो पर उस वक्त देखो दोनों चीज़ें वेरी करानी है, एस बी और वी बी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उस वक्त तुम्हारा वो तो ज़ीरो है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो तो स्मॉल यू था, इनिशियल वेलोसिटी, एट टी इज इक्वल टू टी पर। अब तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा बढ़ चुका होगा ना, कितना हो गया एस, लेकिन वेलोसिटी हाँ वो बन गई वी। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट वैल्यू रखो। तो एस कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ज़ीरो से एस और वी, यू से वी। अब देखो एस के रिस्पेक्ट में करना है तो ए तो कांस्टेंट रहा, ए को बाहर गया और डी एस की जगह आ गया एस, और ये हो गया एस से ज़ीरो। वी के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ वी है भी, तो पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दिया, ठीक है, और अपॉन में वही चीज़ रख दो। फिर क्या करो, लिमिट बना दो, क्या है U और V, ठीक है। अब देखो बहुत आसान एकदम है, यहाँ क्या आएगा A ब्रैकेट में S माइनस ज़ीरो आएगा, एक बार S की जगह ये, एक बार S की जगह ये, यहाँ क्या है 2 को बाहर कर लो, क्या करो 2 को बाहर कर लो, एक बार V की जगह ऊपर वाली वैल्यू, एक बार V की जगह नीचे वाली वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, सही है। यहाँ क्या आ गया AS है, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2AS, सही है। यहाँ आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, बस फॉर्मूला हमारा आ गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीन हमने पढ़ लिए है ना, चलो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो जो भी इक्वेशन हमने ड्राइव किया है उस पर पहला एक न्यूमेरिकल मैं करा दे रहा हूँ, इसके बाद का न्यूमेरिकल पहले आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं उसको सोल्यूशन बताऊँगा। कह रहा है ए जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी मान लीजिए कि ये आपका रनवे हो गया और ये जेट प्लेन यहाँ से चला, तो यहाँ से चला तो स्टार्टिंग में स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, यू इज इक्वल टू ज़ीरो, वेरी गुड, रेस्ट विथ एन एक्सेलेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मेक्स ए रन फॉर 35 सेकेंड बिफोर टेकिंग आउट, यानी ये इधर चला और 35 सेकेंड तक ये चलता रहा, और इसके बाद जाकर के उड़ गया यहाँ से, यहाँ पर जाकर कहीं पर उड़ गया होगा, कितना डिस्टेंस चला मुझे पता नहीं भाई, लेकिन चला ये कितना 35 सेकेंड। व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द जेट, यानी जब ये टेक ऑफ किया उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी और यहाँ से यहाँ कितनी दूर चलने के बाद ये उड़ा, ठीक है। अब देखो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, कौन से, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2S। इन तीन में से कोई एक अप्लाई करना होगा, पहली बात तो अप्लाई करने में कुछ चीज़ों का याद ध्यान रखना, तुम्हारे पास पता क्या करना है, V और S किसी इक्वेशन में अगर ये दोनों हो तो कुछ पता चल पाएगा नहीं, कोई एक होना चाहिए तब तो पता कर पाओगे। अब देखो मान लो तुम इसमें करते हो तो V भी है S भी है, तो इसको तो लगा ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में से कोई एक लगाओ तो एक वैल्यू मिल जाएगी, जैसे मैं लगा लेता हूँ इसको, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट पता कर लेंगे, यू तो स्टार्ट में ज़ीरो था तो ये तो ज़ीरो कर देगा, हाफ ए, ए कितना है भाई 3 इंटू टी, 35 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा कुछ 1800 समथिंग आएगा, हाँ 1837.5 मीटर आ रहा है ये, ठीक है कर लेंगे। दूसरा अब क्या करना होगा, इस वाले को अप्लाई कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो ज़ीरो
और ए 3 और ये 35, यानी 105 मीटर पर सेकेंड। यानी जब वो प्लेन टेक ऑफ के लिए उड़ेगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 105 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्टार्ट में कितना था, 0, लेकिन 105 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गया वो। क्लियर, नोट कीजिए, अगला न्यूमेरिकल आपको करना है। तो एक न्यूमेरिकल सामने है आपके, इसको करना है। मैं कहता हूँ कि हमेशा न्यूमेरिकल को पहले ट्राई कीजिए वो पॉज करके, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिए। चलो आप लोग ट्राई कर लीजिए, अब देखते हैं आगे। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 5×10³ मीटर पर सेकेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से ट्रेवल कर रहा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, पास थ्रू ए इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एन एक्सेलेरेशन ऑफ 10^12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 5×10³ मीटर पर सेकेंड और एक्सेलेरेशन उसके पास है 10^12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। इलेक्ट्रॉन को अपनी स्पीड डबल करने में कितना टाइम लगेगा। आप बाइक से जा रहे थे, चले जा रहे हैं, कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से, और आपने एक्सेलेरेशन लगा दिया, कितने इस एक्सेलेरेशन से, अब बाइक की स्पीड बढ़ेगी, तो कहा यह जा रहा है कि कितनी देर बाद डबल हो जाएगी। तो पहले बात होगा क्या, डबल इसका मतलब V हो जाएगा आपका 2U, यानी 2×5, 2×5×10³, ये हो जाएगा 10^4 मीटर पर सेकेंड, 10^3 या 10^4 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपल से यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, क्या लगाना भाई, T निकालना है, आप लगाइए V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से देखो ए टी क्या हो जाएगा, V माइनस यू, सही है, यहाँ से T कितना हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन A, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, V की वैल्यू हमारे पास है, अच्छा इसको ऐसे रखो ज़्यादा आसान लगेगा, 2×5×10³ माइनस यू की वैल्यू 5×10³ अपॉन एक्सेलरेशन 10^12। देखो हमने, मैंने क्यों ऐसा रखा, जबकि मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ फिर भी रखा, क्यों, क्योंकि जानते हो जब 10^ आने लगे ना तो सोचो कि 10^ कॉमन रहे, सेम रहे, ऐसा कोशिश करो। तो यहाँ देखो 10^3 है ना, 10^3 कॉमन ले लेंगे, तो जब यहाँ पर 10^3 कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा 10 माइनस 5, कितना बचा 5 अपॉन 10^12। तो यहाँ से क्या आ गया, 5×10⁻⁹ आएगा, 10^12 ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, और प्लस 3 है ही तो माइनस 9 आएगा। ये आ गया हमारे पास सेकेंड, इतने टाइम के बाद क्या होगा, टी की वैल्यू आ गई कि उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। ये तो बहुत आसान था, आगे देखो क्या कह रहा है, वॉट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाई द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। इतनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अपने पास फॉर्मूला लगाओ, कौन सा भाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमें निकालना ही है, यू कितना है हमारे पास पहले से ही, वह है 5×10³। टी हमारे पास अभी आया है ना, कितना है 5×10⁻⁹, ये यू टी हो गया, प्लस हाफ ए, कितना है भाई 10^12 इंटू टी का स्क्वायर है, तो 5×10⁻⁹। देखो अभी कितना आसान है कैलकुलेशन, ध्यान देना, मैं ना पावर को बराबर करूँगा, सेम करूँगा, कैसे, यहाँ कितना हो जाएगा 10^-6, तो 5×10⁻⁶, सही है, ये तो समझ में आ रहा ना, प्लस यहाँ देखो क्या है, इसको ऐसे रहने दो, × 10^12 × 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इंटू इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 10^-18। अब देखो क्या, -18 से 12 घटाओगे तो क्या बचेगा, -6 यहाँ भी है, देखो सेम जैसा कुछ लग रहा है, 5×10⁻⁶ प्लस 2 से इसमें डिवाइड कर दो, 12.5×10⁻⁶ आ गया यहाँ से, क्या 10⁻⁶ कॉमन ले ले, सिंपल सा ले लो, यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ क्या बचा 12.5, कुछ गड़बड़ हो रहा है, यू टी यू सही है, 12×5=17, 5×5=25, हाँ तो सही तो आ रहा, हमें लग रहा, तो कितना आ गया भाई यहाँ से
17.5 इंटू एन पावर माइनस सिक्स, वहाँ रहा 37, कुछ तो गड़बड़ है। हाफ ए टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नोट करिए फिर देखते हैं, है ना। कैलकुलेशन में देखिए, शायद कैलकुलेशन कोई दिक्कत है हमें लग रहा, तो ध्यान नहीं देते। कैमरा हिल गया, हाँ कैमरा आप सही कर दो भाई, पहले कैमरा सही करो, ठीक है। हाँ चलिए देखो भाई, इधर ध्यान दो, यहाँ पर 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा ना, और 10 पावर 3, 10 पावर माइनस 9, 10 पावर माइनस 6 आया, तो ये क्या था 25। अब कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 25, ये ऐड करोगे तो क्या बचेगा 37.5। कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दो भाई तुम लोग, ओके चलो जल्दी से करो, फिर फोर्थ इक्वेशन पढ़ा देते हैं आप लोग को। तो लास्ट टॉपिक है वह है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मोशन किस टाइप को बताता है, क्या वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देगा, ध्यान देना। जब क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चों के बुक देखोगे ना मैथ की, उसमें कुछ दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं देखो, वो दिखाते हैं कुछ ऐसे, वो मार्क बना देंगे और इसमें यहाँ बना देंगे 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर उन्होंने बना दिया चूहा, माउस, चूहा, चूहा खुद का यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ जा रहा। मैं कहता हूँ ये जो 0, 1, 2 है ये टाइम है, क्या है भाई? सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ ये चूहा ये 1, 2 टाइम है और ये जो लाइन है ना ये डिस्टेंस है, क्या है ये? मैं पूछूँ भाई चूहा जब स्टार्ट से चला और 4 सेकंड में कितना दूर गया, ध्यान देना 4 सेकंड में कितना दूर चला, तो तुम कहोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 सेकंड में गया, ठीक है। और मैं यही सवाल पूछूँ कि बताओ 4th सेकंड में कितना चला, लैंग्वेज में ध्यान देना 4 सेकंड में कितना चला और फिर 4th सेकंड में कितना चला, तो यहाँ से यहाँ तक 1st सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 2nd सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 3rd सेकंड और यहाँ से यहाँ तक 4th सेकंड। तो सवाल यह है कि वो इस ड्यूरेशन में कितना चला, तो वो इतना चला सिर्फ, बात समझ में आ रही। एक आदमी 15 मिनट तक दौड़ता रहा, मैं पूछ रहा हूँ बताओ अच्छा 15 मिनट दौड़े, 12वें मिनट में कितना दूर दौड़े, सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि तुम जब शुरू किए थे और 15 मिनट तक तुम दौड़ते रहे तो 15 मिनट में कितना दौड़े, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 12वें मिनट में कितना दौड़े, सवाल ये है कि 8वें मिनट में कितना दूर चले, समझ में आ गई बात, वन उस टुकड़े पर पूछा जा रहा है। अब देखो कैसे करेंगे, सिंपल वही करेंगे, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या इसी को लेकर करें या किसी और कर दें, नहीं वेलोसिटी से लेकर करो वो ज़्यादा आसान होगा, है ना, वेलोसिटी वाले ले लो। क्या करते हैं, वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ओके। अब फिर क्या करो यहाँ से, तो ये हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, सही है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो हमें लिमिट रखना होगा, तो पहले ये क्या करो, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी एस और वी डी टी को इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट रखने में ज़रा ध्यान देना, लिमिट रखने में ध्यान देना, है ना, कैसे लिमिट रखेंगे, लिमिट वो वाला नहीं रखना है एस इज इक्वल टी इज इक्वल टू जीरो पर एस इज इक्वल टू जीरो, नहीं नहीं नहीं। अब तो सवाल ये पैदा होता है ना कि 4th सेकंड में कितना चला, 5वें सेकंड में कितना चला, तो 4th सेकंड में कितना चला कैसे पता करेंगे, समझो ऐसे पता करो, समझो कोई ऐसे निकालो, यहाँ से यहाँ तक 4th सेकंड में जितना गया ये मान लो x है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड में यहाँ तक यहाँ गया, मैं निकाल दूंगा 4 सेकंड में कितना गया और 3 सेकंड में कितना गया, 4 सेकंड वाले में से 3 सेकंड वाले की दूरी को माइनस कर देंगे, क्या ये आ जाएगा, एकदम समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूँ, 4 सेकंड में कितना चला x, 3 सेकंड में कितना चला y, फिर सवाल है 4th सेकंड में कितना चला, तो x माइनस y। अब देखो एट टाइम इज इक्वल टू n, जब टाइम n हो तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ होगा sn, जब टाइम और डिस्प्लेसमेंट लिया रहा, जब टाइम n है तो डिस्प्लेसमेंट
एस एन, मैं कहता हूँ टाइम को कम करो, टाइम को कर दिया हमने एन माइनस वन, तो डिस्प्लेसमेंट उस वक्त कितना हो जाएगा एस एन माइनस वन। ये रहा 3 सेकंड में चला हुआ, ये रहा 4 सेकंड में चला हुआ, एकदम समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट रख दो, यहाँ लिमिट एस कहाँ से कहाँ तक है भाई, एस एन माइनस वन से एस एन तक, कम वाला नीचे रखते हैं ना, एस एन माइनस वन से एस एन तक, और टी कहाँ से कहाँ तक, एन माइनस वन से एन तक, एन माइनस वन से एन तक, समझ में आ गया होगा। चलो अब उसको यहाँ पर करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एस आएगा, सिर्फ एस आ गया, ऊपर लिमिट क्या है एस एन, नीचे है एस एन माइनस वन, ठीक। यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो वी के तो टच ही मत करो, वी ऐसे रख दो, यहाँ पर क्या आएगा अभी, अच्छा इसको मैंने एक्सपेंड नहीं किया, सॉरी, यहाँ इसको एक्सपेंड करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तब तो मज़ा आएगा, तब तो वैल्यू आएगी पूरी, जैसे पिछली बार किया था। अब इसको अलग अलग कर दो, डी एस एन माइनस वन एस एन, और यहाँ एक इंटीग्रेशन लगाओ n माइनस वन एन यू इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी इंटू डी टी, दोनों को अलग अलग कर लिया, ये हो जाएगा n माइनस वन और n, सही है। अब देखो इंटीग्रेशन, ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ आएगा u अलग से, और यहाँ आएगा t, यहाँ आएगा n माइनस वन से n तक, इसका बताओ क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के, तो t के इंटीग्रेशन होगा ना, तो a तो बाहर कर लो, और t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वेरी गुड, टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट एन माइनस वन से एन। चलो यहाँ इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल, एस एन माइनस वन से एस एन, और यहाँ भी हम क्या करते हैं यू, अच्छा रखते हैं, चलो वैल्यू रखते हैं, है ना, क्यों लंबा लेके जाएं, यहाँ रखो पहले ऊपर वाली रखो एस एन माइनस वन, सही है, एक बार इसकी जगह ऊपर वाली लो, एक बार नीचे वाली वैल्यू। अब यहाँ क्या करेंगे बताओ, एक बार ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी n माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू क्या होगी n माइनस वन, डर तो नहीं लग रहा इसको देख के क्या हो गया सर, ये एक बार t की जगह n आ गया, माइनस करके t की जगह n माइनस वन आ गया, सही है। चलो प्लस 2 को बाहर कर लो, तो a बाई टू क्या है, t स्क्वायर है ना, तो t की जगह एक बार क्या आएगा n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस एक जगह आएगा एन माइनस वन का स्क्वायर, आसान लग रहा है। चलो ये जो एस एन माइनस एस, इसको ऐसे रहने दो फिलहाल, अभी इसको समझाएंगे ना, यहाँ माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये एन प्लस है और ये एन माइनस है, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा भाई, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा ना, अंदर खाली वन बचा, अरे दिख रहा है क्या बचा, वन, तो यानी वन का मतलब खाली यू बचा यहाँ, और देखो ए बाई टू एन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो एन स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू एन इंटू वन, कोई मतलब नहीं। एक बात बताओ, क्या ये एन स्क्वायर से कट जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो गया, कट गया, ये माइनस को इसमें माइनस कर देगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो देखो आएगा कैसे, ये आएगा एन माइनस एस एन माइनस वन यू प्लस ए बाई टू, ये इसको कट गया और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एन माइनस वन, सही है। ये बताओ, अभी मैंने बताया था आपको, सवाल पूछा था चौथे सेकंड में कितना चला, तो मैंने कहा भाई 4 सेकंड में इतना चला, फिर 3 सेकंड में इतना चला, 4 में से 3 को माइनस कर दो, चौथे वाला निकल आएगा, तो n में इतना चला और n यहाँ तक हो गया, n माइनस वन यानी उसके एक पीछे कदम कर लो, तो nth वाला तो निकल गया ना, फिर ये क्या कहलाएगा, ये होगा nth, मतलब चौथा वाला, बस फॉर्मूला हमारा आ गया, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन,
एस एनथ क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनथ सेकेंड। जब कोई कहे कि भाई 12वें सेकंड में कितना दौड़े, कितना चले, तुम ये फॉर्मूला लगाओ। जब ये कहे 12 सेकंड में कितना चले, तब तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब कहे 12वें सेकंड में कितना चले, तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नोट करिए। हाँ, आता है आपके।